नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महादेव शिव बहुत भोले और दयालु हैं। ये मात्र ऐसे देव हैं जो अपने प्रिय भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको हर मुसीबत से बचाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपने महादेव के चमत्कार के किस्से कहानियां बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो चमत्कारी घटना मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले महादेव के सच्चे भक्त, प्रिय भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि महादेव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देव यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 10 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपने 10 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर ही नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया, तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहां मौजूद कुछ लोगों की नज़र उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा चुके थे। दोस्तों, तभी वहां पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जय नाग देवता का जयकारा लगाता है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती है, तब तक उस व्यक्ति ने उस 10 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। दोस्तों, आपको ये बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा कि इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा, इसके माँ बाप को ढूंढने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में दोस्तों, वो बच्ची उस अधिकारी के साथ चली गई। ऐसे में दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगा आपको महादेव का ये चमत्कार, जहाँ पर उन्होंने 10 दिन की बच्ची को बचाने के लिए एक नाग को भेजा, जिसने उस बच्ची को बचाकर ये साबित कर दिया कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।